अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जो डिफरेंस आता है वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, स्केलर और वेक्टर के डिफरेंसेस में। तो वेक्टर क्वांटिटी को बेसिकली हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं, ऐसे वी ए यानी कि बोल्ड करके लिख लें, या फर्ज करें मैं पहले आपको बता देता हूँ वेक्टर। वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करता है एक लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट जो कि हमें मतलब मैं लिखता हूं 25 किलोमीटर ईस्ट, लाहौर 25 किलोमीटर है ईस्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन सेगमेंट हमें बता रही है मैग्नीट्यूड का, और मैग्नीट्यूड में आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक नंबर आता है और एक यूनिट आता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मैग्नीट्यूड। ये एरो हमें बता रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी तो वो क्वांटिटी स्केलर होगी, अगर हम डायरेक्शन भी साथ बता रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो लाइन सेगमेंट जो हमें क्या बता रही है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड, और एरो हमें क्या बता रहा है डायरेक्शन का, और इस वेक्टर को हम फर्स करें रिप्रेजेंट कर लेते हैं बोल्ड लेटर बी से। तो V एक आपका जो है A और B, ये एक वेक्टर है, B वेक्टर है जिसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है बोल्ड लेटर B के साथ। हम इस जो है वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बोल्ड लेटर नहीं करना है F के ऊपर आप एरो डाल दें, या ऐसे A के ऊपर बार डाल दें, तो ये भी हमें बताया गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसका ग्राफिकली मेथड है, किसी भी फ्रेम रेफरेंस के अंदर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हमें बताएगी मैग्नीट्यूड, और एरो में क्या बताएगा डायरेक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, वी जनरली यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। बोल्ड लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज एफ ए डी, उसने या एरो या बार इसके ऊपर हम लगाकर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ये जैसा मैंने आपको बताया, विद एन एरो हेड, इसमें एरो का होना जरूरी है, यही तो हमें डिफ्रेंशिएट करता है स्केलर और वेक्टर में। द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी, द लेंथ ऑफ लाइन ए बी गिव्स अ मैग्नीट्यूड। ये ए बी की ये जो लेंथ है हमें क्या बता रही है, इसकी मैग्नीट्यूड बता रही है ऑफ द वेक्टर बी ऑन अ सिलेक्टेड स्केल, व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर वी। इसी तरह एक टर्म आगे यूज होती है पोजिशन, पोजीशन हमें बताती है किसी बॉडी की लोकेशन विद सम रेफरेंस पॉइंट। मिसाल के तौर पर आपका घर है वो एस है, एस से हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपका हाउस यहां पे है और ये ऐसे ये गली ऐसे ऐसे जा रही है और यहां पर आपका ये स्कूल है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये डायरेक्ट आपका रास्ता है उसका होम का, स्कूल से होम या होम से स्कूल। अगर स्कूल से आप घर जा रहे हैं तो स्कूल या आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा और ये आपकी लोकेशन है। किसी खास रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह पर किसी लोकेशन पर आपने अगर पहुंचना है तो एक खास रेफरेंस पॉइंट से पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अकेडमी है या स्कूल है, तो इस स्कूल से आपके घर तक जो डिस्टेंस होगा वो जो लोकेशन होगी वो हमें बताएगी उसकी पोजीशन का। तो यहां पर टर्म जो पोजीशन है उसको डिफाइन किया गया, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस
आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ये दी है, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच. द पोजिशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन, ये एरो, ये स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये एरो हमें डायरेक्शन का बता रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डायरेक्शन है ये हमें बता रहा है आपकी लोकेशन यानी पोजिशन का. विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस, यानी कि होम टू स्कूल, या आप स्कूल से हम जाना चाहते हैं तो आपको एरो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और पोजीशन ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से लर्न करने.